अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। और सब कैसे हैं? बढ़िया है यार। मेरी तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी, इसलिए जो है ना मैंने ब्लॉग नहीं था बनाया। तो आज आपको दिखाता हूँ अपने रूम के बाहर वाला जो है ना बैठने वाली जगह, और भी बहुत कुछ बताता हूँ। ये है जी, ये सोफे सोफे लगाए हुए हैं, ये हमारी बैठने वाली जगह है। और इधर जो है जी शूज़ रखते हैं, ये बाल्टियाँ हैं कपड़े धोने के लिए, ये बर्तन है अभी अभी धोए हैं, और ये किचन है हमारा। किचन है, ये अंदर नहीं जाना क्योंकि अभी अभी मैंने सॉफ्ट किया ना, इसलिए गंदा हो जाएगा। तो अभी जो है ये जी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, हमारी नहीं है, ये बंगाली लोगों की हैं। हमारी गाड़ी एक वो खड़ी हुई है और दूसरी गई हुई है काम पे। ये जी कबूतर वगैरह भी रखे हुए हैं, ये कबूतर रखे हुए हैं इधर। मुझे तो कोई शौक़ नहीं है कबूतर का, कबूतरों का। तो ये सोफ़े लादा रखे हैं रात को बैठने के लिए ना, उधर महफिल लगती है, इधर जिसने आके बातचीत करती हो तो वो कर लेता है। वो हुंडा सिविक हमारी खड़ी हुई है, तो चलते हैं फिर मस्जिद की तरफ। साथ में आपको दिखाते हैं दूसरा जो है ना, आपको बोला था कि दूसरी साइड जो अरबियों के मजरे हैं उनकी दूसरी साइड दिखाएंगे। ये कचरा इधर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था बंगालियों का, लेकिन उन्होंने उठवा दिया। तो ये जी दूसरी जगह, इधर भी लगी हुई हैं खजूरें। इधर हमारे पठान भाई रहते हैं इस जगह पे ना, चेक करें ये देखें खजूरें। आय हाय हाय, अभी कच्ची हैं, अभी इनका जो है ना आ गया मौसम, अभी एक महीने महीने से पहले ही जो है ना ये पक जाएंगी। वो उनका पठानों का रूम है, उनकी रिहाइश इधर मजरे के अंदर ही है। दूसरी साइड ये है, ये इधर इन्होंने जालियाँ शालियाँ लगाई हुई हैं, लो नहीं है इधर अंदर जाना क्योंकि पाकिस्तान नहीं है ना। पाकिस्तान ऐसी जगह होती तो अभी तक रश लगा होना था इधर, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई किधर कुछ कर रहा है, इधर ऐसा सीन नहीं है। ये ऐसे ही समझे, ये बॉर्डर ही समझ लें। ये जी ये दरख्त गरीब सूख गया हुआ है, ये बाग लगे हुए हैं अरबियों के, बाग हैं खजूरों के, ये नए लगे हुए हैं क्योंकि ये खजूरें भी खजूरों के पौधे छोटे छोटे हैं। इधर जी ये जी ये चाइनीज टालियाँ हैं। अभी मैंने सोचा चलो मस्जिद में नमाज भी पढ़ आते हैं और साथ में अपना छोटा सा जो है ना व्लॉग भी बना लेते हैं। ये पता नहीं क्या है। और लाइक और फॉलो जो है ना वो लाजमी कर दिया करें, आपकी सपोर्ट चाहिए। आपको पहले भी बोला है कि जो है ना आप हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह बेस्ट व्लॉग लेके आएंगे। चेक करें वो सामने अरबियों के विले हैं, बहुत आला दर्जे के विले बनवाते हैं, ये गवर्नमेंट का पैसा होता है इसलिए। ये दरेक लगी हुई है, वो सामने पहाड़ियाँ, लेकिन ये ज़्यादा दूर हैं पहाड़ियाँ, ये ज़्यादा दूर हैं। इधर कब्रिस्तान है अरबियों का, ये
देख सकते हैं सलाजा लगा हुआ है। आपको दिखाते हैं कब्रिस्तान भी, पता नहीं चलता, ये पता नहीं क्या है, ये शेड लगाया हुआ है इसका नहीं मुझे पता। पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं इधर बहुत ज़्यादा, लेकिन ये प्लीज़ डोंट टच कीप क्लेम। ये है जी, ये कब्रिस्तान है अरबियों का, लगता नहीं ना लगता। ये जितने भी पत्थर खड़े हुए हैं ना ऊपर, ये कब्रें हैं, निशानी है। ये पीपल मस्जिद आ गया हमारी, वो सामने मस्जिद है, तो सोचा भाई आपका जो है व्लॉग भी बना ले, साथ में जो है नमाज भी पढ़ लें, चलो और सब बढ़िया ना, नमाज भी लाजमी है ना, पांच वक्त की तो नहीं पढ़नी होती, लेकिन जो है ना कोशिश कर रहे हैं नमाज जो है ना पांच वक्त की अदा की जाए। ये जी मस्जिद है, वो अरबी जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, ये स्कूल बस है। मस्जिद आ गया, मिलते हैं भाई आपका जो है ना अभी नमाज पढ़ के मिलता है।